सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सिद्धू मूसेवाले का विवादों नाल सिलसिला लगातार जारी है। पहला अपने गाणियां दे विच माई भागो का ना आना ते फिर धार्मिक जथेबंदियां दा जवाब मंगण ते उहनां तों माफ़ी मंगना, उस तो बाद अपने समकाली सिंगरां नाल पंगेबाजी, अपने सीनियरां नाल पंगेबाजी, ते हुण पुलिस दे वैपन नाल जदों उसने फायरिंग की तां उस ते परचा दर्ज होया। जदों इस परचे दीआं खबरां लगियां तां मीडिया परसन जिहड़े हैगे ने उहनां नूं धमकाया गया ते सोशल मीडिया दे उत्ते सिद्धू मूसेवाले वल्लों इक वीडियो वायरल की गई। इहदे खिलाफ़ अज्ज मोहाली प्रैस क्लब दे सारे मैंबरां ने सिद्धू मूसेवाले दे खिलाफ़ कार्रवाई करन वास्ते SSP नूं इक मैमोरेंडम दित्ता। मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने मोहाली दे सीनियर पत्रकार सुखदेव सिंह पटवारी जी। सर की मंग की है जी? आप जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला मैनूं लगता भी हुण उह कलाकार नालों ज़्यादा ना उहदी जिहड़ी एक्टिंग है उह हुण इक गैंगस्टर वांगू ज़्यादा कर रहा है। पिछले समय तो देखो सिख इतिहास में बिगाड़न का इल्जाम लग्या उहते रौला पिया, उन्हें माफ़ी मंगी, उस तो बाद मतलब पुलिस दीआं राइफलां लैके गैर कानूनी ढंग नाल फायरिंग की, तो सगों उहदे च उहदे केस दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस अज भी उहनूं फड़न तो कतरा रही है जां उहनूं ऐ कह लो भी छोट दे रही है, जिवें नाभे दे विच उहनूं ईवन मतलब फड़ के ऐ कह लो भी नाल दी नाल रिहा कीता, पर वह पुलिस ने वो रिलेशन से वो इस तरह इन्ना हंकार गया हूँ उन्होंने लगता भी मेरी सीधी DGP नाल गल है, तो इस तरह का जिहड़ा हंकार है हुण वो प्रेस के उत्ते इस तरह धमकियां दे रहा जिवें उन्होंने लगता भी मैं कुछ भी करन दे योग हाँ। तो पिछले दिन जिहड़ी वीडियो जारी की है वीडियो दे विच कह रहा असी तो किसी होर काम च अजे लगे हुए हाँ, तो जे असी इधर आ गए ना फिर तुसीं लभणी नहीं भी कित्थे हो। मैं हैरान हाँ भी देखो एक आम बंदा इस हवा के उड रहा है भी वह किसी पता नहीं प्रेस में किधर खत्म कर दूँ, हालांकि उन्होंने भुलेखा होना भुलेखा है उन्होंने पता होना चाहिए भी तेरे वर्गे आते हैं जाते हैं सब कुछ पता नहीं लगता भी कदों मिनट च किधर नूं लंघे, तो ये जो धमकियां ने यह मूँह बंद कर। मैं ये पंजाब सरकार को बेनती करदा भी यह जी लिहाजदारी है वो गुंडे टाइप बंदा वह लिहाजदारी बंद की जाए तो उन्हें तुरंत फड़ के पुलिस नूं तां अपना प्रेस नूं धमकी देण दे इल्जाम दे विच भी ते नाल जिहड़ा पहले ही उहदा आलरेडी संगीन केस चलदा उहदे च उहनूं अरैसट किया जाए, तो जेकर सरकार नहीं करदी तां इहदे भी कई महीने ने भी इह सरकार भी इहो जिहे बंदिआं नूं किस तरह उत्साहित करदी आ। तो मैं बेनती करदा सारे पंजाब दे प्रेस वालिआं नूं भी इहदा जिथे भी किते जिस ढंग भी नाल भी किते भी हुंदा इह इहदा विरोध डट के करना चाहीदा तां कि इहनूं समझ आवे भी प्रेस जिवें बनाउंदी है तो हेठां भी लांदी है, इहदियां गलतियां ने जिहड़ियां उहनूं पूरा लोकां दे विच नशर करना चाहीदा। पटवारी साहब असीं देखिया कि जिस तरह गुरदास मान वर्गे सिंगर हैगे ने जां बब्बू मान वर्गे ने कदे कदे किसी का पत्रकार दे नाल कोई माड़ा मोटा विवाद होया, परंतु सिद्धू मूसेवाले का असीं देख रहे हैं कि यह इन्नी उंचाई ते अपने आप नूं समझ रहा है कि बाकी सारे बंदे नूं बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, बड़ी दलेरां दा इहने गल की है जी, तो एक हिमाकत की गई है सारे मीडिया पर्सनां नूं धमकाउण दी। ये असल च दलेराना नहीं हैगी, ये अहमकाना तो बचगाना है, ये मतलब दलेरी कुछ नहीं हैगी ना उन्हें बकवास करी है, इदू बाद कुछ नहीं कर सकता वो पता लग जो कद करूगा जो कहना भी मैं कर दूँ वो कुछ नहीं, ये सिर्फ बचगाना गल है वो तो बचगाना फुकरियाँ मारने वाले जोड़े बंदे आते हैं एक देसी साधारण बंदे की मतलब एक ऐ कह लो भी इस लाइन के गुड्डी थोड़ी जी चढ़ गई तो उन्होंने ऐ लगन लग गया भी जिम्मे सारा कुछ हम संसार मेरे पैर हेठ है तो हूँ बाकी कुछ नहीं, ये अहमकाना गल है वो। तो की मंग करते हैं जी आप SSP साहब को कुछ होना चाहिए? उन्होंने इमीजिएट अरैसट करना चाहिए जी, उन्होंने प्रेस में धमकाउण दे, यह प्रेस की आजादी के भी खिलाफ है, तो यह प्रेस के मतलब लोगों की लोगों का जोड़ा मतलब वह उन्हें जो गैर कानूनी कीतियां ने उहदी भी यह बेखिलाफी है, तो उन्होंने तुरंत अरैसट करके उन्होंने केस दर्ज करो तो उन्होंने अरैसट करना चाहिए। मेरे नाल मोहाली प्रेस क्लब के जनरल सैकटरी भी है इस वक्त हरबंस सिंह बागड़े जी। हरबंस सिंह बागड़े जी, तुहाडा इस मामले च की कहना? देखो सिद्धू मूसेवाला अपने लगभग हर गीत दे विच नौजवानों नूं भड़काउंदा, कदे हथियारां दी गल करदा, कदे धार्मिक व्यक्तियों नूं छेड़दा, उन्हां ते गलत कमेंट करदा,
हुण प्रेस की ड्यूटी है भी जिहड़ा भी कलाकार इदां दीआं गैर कानूनी कार्रवाई कर उहनूं लोकां च नशर करना, क्योंकि कलाकार दा क्या होया आम लोग नौजवानां ते उत्ते बहुत भैड़ा असर पैंदा है। जिहड़ा मूसेवाल दे खिलाफ मामला दर्ज होया हथियार दे नाल दे नाल सरकारी हथियार चलाउणा सिखणा उहदे विच डी एस पी ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਰਾਬੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਿਮਾਕਤ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648, 84374 94648।